नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 12 5G वर्सेस Vivo V30 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 12 में 6.35 इंच जबकि V30 5G में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Reno 12 में 2.92 इंच जबकि V30 5G में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Reno 12 में 0.3 इंच जबकि V30 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 12 में 177 ग्राम जबकि V30 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Reno 12 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Reno 12 में फ्लेक्सिबल AMOLED जबकि V30 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno 12 में 6.7 इंचेस जबकि V30 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Reno 12 में 1080x2412px FHD+ और V30 5G में 1260x2800px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 12 में 90.62% जबकि V30 5G में 89.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 12 में 394 पिक्सेल प्रति इंच जबकि V30 5G में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Reno 12 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और V30 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 12 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और V30 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 12 में माली G615MC2 जबकि V30 5G में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 12 में MediaTek Dimensity 7300 Energy और V30 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो Reno 12 में 12GB की RAM मिलती है जबकि V30 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Reno 12 में 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि V30 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Reno 12 में अप टू 1TB जबकि V30 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Reno 12 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 31,690 रुपीस में मिल जाता है। वहीं अगर बात करें V35G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 31,980 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 37,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो रीनो 12 5G में 3 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वीवो V35G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में V35G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में V35G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटोरोला एज 50 फ्यूजन 5G है, दूसरा वीवो S19 प्रो 5G है, तीसरा शाओमी 14 सिवी 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी GT6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।